नमस्ते, मैं सीए चैतन्य बावकर, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। इसमें हम देखने वाले हैं बिजनेस कमर्शियल नॉलेज बीसीके का 6 चैप्टर, जो कि है कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। तो बच्चों, ऐसे कुछ टर्म्स हैं, ऐसे कुछ फ्रेजेस हैं जो हमेशा यूज होंगे कोई भी बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में, किसी भी बिजनेस न्यूज़पेपर में बात करेंगे या बीसीके के अंदर बात करेंगे या नॉर्मली आप बाहर भी किसी बिजनेसमैन से बात करेंगे, तो ये टर्मिनोलॉजीज बार बार यूज होंगे, ये फ्रेजेस, ये वर्ड्स बार बार आएंगे। तो ये सब करने से पहले हमें ये जानना बहुत ही बेहद जरूरी है कि ये सब वर्ड्स का मतलब आखिर में है क्या। पहले ये सब टर्मिनोलॉजीज देखेंगे और उसी के बाद में हम बात कर सकते हैं कि बिजनेस से रिलेटेड नॉलेज क्या है, कैसा है, क्या है। तो इसलिए हम शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 पे से, जो कि है कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। तो ये देखो, एक बेसिक चैप्टर का मैप है। ये जो वर्डिंग्स है, ये जो टर्म्स है, इनके कुछ ग्रुप्स बनाए आईसीआई ने। पहला ग्रुप बनाया फाइनेंस स्टॉक एंड कमोडिटी मार्केट टर्मिनोलॉजीज। तो ये यहाँ पे जो भी टर्मिनोलॉजीज होंगे, यहाँ पे एक तो वो फाइनेंस से रिलेटेड होंगे या फिर स्टॉक मार्केट से या फिर कमोडिटी मार्केट से। फिर दूसरा ग्रुप है जो कि है मार्केटिंग रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज। मार्केटिंग, आप सभी को पता ही है मार्केटिंग क्या होता है, तो उसी से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे आएंगे। उसके बाद में बैंकिंग, मुझे नहीं लगता यहाँ पे बैठा हुआ कोई भी बंदा बैंक ये वर्ड को नहीं जानता होगा। अपन बचपन से देखते आ रहे कि बैंक क्या है, तो उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे है। और कुछ ऐसे वर्ड्स है, कुछ ऐसे टर्म्स है जो ये बाकी ये ग्रुप्स में नहीं बैठ रहे थे, वो सारे यहाँ पे आ चुके हैं अदर बिजनेस टर्मिनोलॉजीज के अंदर। ठीक है, तो जिनके पास भी मॉड्यूल है प्लीज आप 6.4 पे आ जाइए, पेज नंबर 6.4। जिनके पास भी मॉड्यूल नहीं है वो यहीं पे फोकस करो। ये पार्ट अपन छोड़ नहीं रहे, ये सब अपन लेंगे, बट पहले हम फोकस करेंगे ये वर्ड्स के ऊपर, टर्म्स के ऊपर। एक बार ये सब हमको पता चल गया कि ऊपर का इंट्रोडक्शन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये वर्ड्स शुरू करने से पहले हमें ये जानना है ये ग्रुप क्या है एग्जैक्टली। फाइनेंस स्टॉक एंड कमोडिटी मार्केट टर्मिनोलॉजीज, ये ग्रुप यानी कि एग्जैक्टली है क्या। फाइनेंस तो आप सभी को पता है बच्चों, फाइनेंस यानी कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। 11th से हमने शुरू किया एक कॉमर्स जो जो बच्चों का था, सभी को एक चैप्टर है हमारा अकाउंटिंग, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो उससे रिलेटेड जो टर्म्स है वो यहाँ पे आएंगे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर। फिर इसके बाद में है स्टॉक, और इसके बाद में है कमोडिटीज मार्केट। ठीक है, तो स्टॉक मतलब क्या है, स्टॉक क्या होता है ये? अरे बोलो, इन्वेंट्री, जो हम लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स। नहीं नहीं, ये इन्वेंट्री वाला स्टॉक नहीं। नहीं, क्या बात कर रहे हो सर, हमने तो पहले से यही देखा है, स्टॉक यानी कि इन्वेंट्री, स्टॉक यानी कि रॉ मटेरियल। बट नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है बच्चों। फिर यहाँ पे स्टॉक मतलब क्या है सर? यहाँ पे स्टॉक मतलब है शेयर्स। शेयर्स यानी कि शेयर इन अ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। ठीक है, जिनका एसपी था उनको तो ये बहुत पहले से पता होगा 11th से कि शेयर को ही हम इंटरचेंजेबली हम स्टॉक बोल सकते हैं। टेक्निकली थोड़े बहुत डिफरेंसेस है इसमें, बट इनफॉर्मली या बाहर मार्केट में, न्यूज़पेपर्स में शेयर और स्टॉक ये वर्ड इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं। एक दो मिनट में देख लेते हैं कि ये शेयर मतलब एग्जैक्टली है क्या। देखना, ये हमारे धीरूभाई अंबानी, इनको एक कंपनी शुरू करनी है, सॉरी कंपनी नहीं, इनको एक बिजनेस शुरू करना है। इन्होंने शुरुआत में शुरू कर दिया एक बिजनेस, इसके अंदर कुछ पैसे डाले अपने, कुछ रुपीस डाल दिए इसके अंदर, इन्वेस्ट किए। ये रुपीस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ये जो प्रोप्राइटर जो अपना पैसा लगाता है बिजनेस के अंदर, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल, ये जो पैसे वापस लेके जाएंगे इसको अपन बोलेंगे ड्रॉइंग,
और जो पैसा लगाएगा इसको बोलेंगे कैपिटल। बट मुझे बताओ अकेले मुकेश अंबानी कितना पैसा लगा, अकेले धीरूभाई अंबानी कितना पैसा लगाएंगे बिजनेस में, कुछ ना कुछ इसको लिमिटेशन, करेक्ट। तो इस लिमिटेशन को, इस लिमिटेशन का जवाब ढूंढने के लिए, इस लिमिटेशन के ऊपर कुछ सॉल्यूशन ढूंढने के लिए और एक बिजनेस एंटिटी का जन्म हुआ जिसको अपन बोलते हैं लिमिटेड कंपनी। अभी ये धीरूभाई अंबानी जिनके पास बिजनेस आइडिया तो बहुत ही बढ़िया था, बट उनके पास जो पैसे थे वो उस बिजनेस को चलाने के लिए काफी नहीं थे, उनको और भी ज्यादा पैसे की जरूरत थी। तो उन्होंने क्या किया, एक लिमिटेड कंपनी बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा रिलायंस लिमिटेड। इसकी उन्होंने लोगों को बताया कि देखो ये आइडिया है, इतना पैसा मिलेगा, इतना प्रॉफिट होगा, ये रिटर्न्स मिल सकते हैं हमें, तो आप मुझे पैसा दो। और लोगों ने उसके अंदर इन्वेस्ट किया। तो जब ये जनरल पब्लिक इसके अंदर पैसा लगा रही है, ये जब पैसा लगाएगी तो ये कैसे लगाएगी, तो ये लोग शेयर्स लेंगे इस कंपनी के अंदर, शेयर्स, ये लोग इनको पैसे देंगे रुपीस और रिलायंस लिमिटेड इनको देगी शेयर्स। तो ये बंदा जब पब्लिक पैसे लगा रही है रिलायंस में, ये लगा रही है थ्रू परचेसिंग ऑफ द शेयर्स। जनरली आपने अकाउंट्स में देखा होगा कि ये सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब, करेक्ट। तो अपन यहाँ पे आसानी के लिए बोलेंगे कि इन्होंने शेयर्स को परचेस किए, क्योंकि बेसिकली स्टॉक मार्केट का जो काम है वहां पे ये जो परचेस और सेल का ट्रांजेक्शन है इसको फैसिलिटेट करना है, ठीक है। अभी ये जनरल पब्लिक में से किसी ने शेयर लिए होंगे रिलायंस के, ये बंदे ने शेयर लिए, इसके पास मान लो रिलायंस के 1000 शेयर है, इसने जब शेयर लिया होगा तब ₹10 का एक शेयर इस हिसाब से लिया होगा। अभी इसने काफी टाइम तक शेयर को होल्ड किया है, अभी इसको कुछ पैसे की जरूरत पड़ी, तो ये क्या करेगा, ये जाके इन शेयर्स को बेच देगा, बराबर। अभी ये जब ये शेयर्स को बेचेगा, मान लो अभी इसको प्राइस मिल रही है ₹100 फॉर 1 शेयर, तो इसको जब ये शेयर को सेल करना है बच्चों, तो ये जाके इसको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक एक जन को रोड पे इसको घूमना नहीं पड़ेगा कि तुझे रिलायंस के शेयर लेना है क्या, तुझे लेना है क्या, ये जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कहां पे बेचने वाला है इन शेयर्स को, ये इनको बेचेगा शेयर मार्केट पे। जनरली आपने कुछ नाम सुने होंगे, ये NSE या BSE, NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो नॉर्मली होता क्या है, ये जो कंपनीज है रिलायंस, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, अडानी एंटरप्राइजेस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ऐसे ये सारे कंपनी जो है ये यहाँ पे NSE BSE पे रजिस्टर्ड होंगे। और आप यहाँ पे सिंपली आपके मोबाइल पे एक ऑर्डर डाल दो कि मुझे 1000 शेयर बेचने, इस प्राइस पे बेचना है। आपको अगर कोई भी बायर मिल जाता है सेम प्राइस पे शेयर बाय करने वाला, तो ऑटोमेटिकली ये ट्रांजेक्शन हो जाए। तो ये सब ट्रांजेक्शन जहां पे होते हैं इसी को बोला जाता है शेयर मार्केट, और शेयर मार्केट का ही दूसरा नाम है स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट जो है यहां पे जो खरीद बेच होती है वो स्टॉक की होंगी, यानी कि शेयर्स की होंगी। इसी प्रकार से आपको मिलेगा कमोडिटीज मार्केट। कमोडिटीज मार्केट के अंदर सारा का सारा मैकेनिज्म सेम है शेयर मार्केट की जैसा ही, कोई तो भी बंदा परचेस की ऑर्डर डालेगा, कोई तो भी बंदा सेल की ऑर्डर डालेगा, और जैसे ही ये प्राइस और क्वांटिटी मैच हो जाएगी ये ट्रांजैक्शन हो जाएगी। ये लॉजिक से, सिर्फ फर्क ये है स्टॉक मार्केट पे आप खरीद बेच कर रहे थे शेयर्स की, स्टॉक की, और कमोडिटीज मार्केट में आप खरीदेंगे या बेचने वाले जो चीज है वो है कमोडिटी। ये कमोडिटी क्या है, ये कमोडिटी हो सकती है गोल्ड हो या सिल्वर हो या फिर वीट राइस हो, सीमेंट
स्टील, ये कुछ भी हो सकता है। तो क्या ये सही में डिलीवर हो जाता है? यानी कि अगर मैं कमोडिटीज मार्केट में जाके अगर मैं कुछ गोल्ड परचेस करूं, मान लो मैंने 1 kg गोल्ड परचेस किया, कर तो नहीं पाऊंगा इतना, बट मानने में क्या जाता है ना। तो अगर मैं इतना 1 kg गोल्ड परचेस करूं तो ये सही में मेरे पास आने वाला है क्या? तो नहीं, मेरे पास इसका एक इलेक्ट्रॉनिक एंट्री हो जाएगी मेरे अकाउंट के अंदर, जैसे कि मुझे एक सर्टिफिकेट आ जाएगा जिसके अंदर लिखा होगा कि ये इतना इतना गोल्ड आपके पास है। वो सर्टिफिकेट भी फिजिकल फॉर्म में नहीं होगा, वो भी डिजिटल फॉर्म में होगा, एक मेरे अकाउंट में एंट्री होगी सर, ठीक है। तो ये ट्रांजेक्शन जहाँ पे होते हैं इसको अपन बोलते हैं कमोडिटीज मार्केट। तो ये एक जनरल ओवरव्यू हो गया इस कैटेगरी का, जो है फाइनेंस, स्टॉक एंड कमोडिटी मार्केट। तो फाइनेंस, स्टॉक मार्केट एंड कमोडिटीज मार्केट, तो आपको अभी समझ ही गया होगा। फाइनेंस यानी कि अपना अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, स्टॉक मतलब शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट यानी कि शेयर मार्केट, और कमोडिटीज मार्केट मतलब जहाँ पे कमोडिटीज के बीच में हम ट्रेडिंग करते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर वगैरह ये सब। अभी देखना, एक एक टर्म देखेंगे। एजेंट, जैसे हमें कुछ पैसे से रिलेटेड ट्रांजैक्शन करने है, जैसे मुझे, मेरा एक दोस्त है वो बैंगलोर में रहता है, मुझे उसको कुछ पैसे भेजने, तो मैं क्या करूँगा, मेरे अकाउंट से ये पैसे ट्रांसफर करूँगा उसके अकाउंट में। तो ये बेसिकली जो मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन करना है कि ये पैसे मैं बैंक में रखूँगा, निकालूंगा, ट्रांसफ़र करूँगा, किसी और से मेरे अकाउंट में लूँगा, ये सब काम करने से पहले मेरे पास एक बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। जैसे मेरे बैंगलोर का दोस्त अगर मुझे फ़ोन करके पूछता है कि भाई मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, इतने पैसे भेजना मेरे अकाउंट में, सॉरी इतने पैसे मुझे चाहिए, अगर मैं उसको बोलूँ कि अरे तेरा बैंक अकाउंट नंबर दे, वो बोलेगा अरे नहीं मेरा अकाउंट नंबर तो नहीं है बट मुझे पैसे चाहिए, तो क्या मैं उसको भेज पाऊंगा? ना ना ना, मैं उसको ये पैसे बिल्कुल भी नहीं भेज पाऊंगा। तो ऐसे ही अगर मुझे शेयर्स परचेस करने हैं, शेयर सेल करने हैं, डिविडेंड कमाना है, कुछ भी करना है, मतलब पहले बेसिकली मुझे शेयर्स परचेस करने हैं, तो मेरे पास होना चाहिए डीमैट अकाउंट। क्या होना चाहिए? डीमैट अकाउंट। तो ये डीमैट अकाउंट अगर है तो मैं ये डीमैट अकाउंट में मेरे शेयर्स में परचेस करूंगा, इसी अकाउंट पे से मैं इसको सेल करूंगा बाद में, ठीक है। तो ये डीमैट अकाउंट में कहाँ कहाँ पे खोल सकता हूँ उसके कुछ एग्जांपल्स मैं बोलता हूँ आपको। जैसे कि ये हो सकता है आप HDFC सिक्योरिटीज में जाके खोलो। HDFC बैंक नहीं है, ये एक अलग सेगमेंट है HDFC का, HDFC सिक्योरिटीज। ये आपने जो नाम हमेशा से सुना होगा, बहुत बार सुना होगा, शेयर खान, एंजल ब्रोकिंग, एडलविस, तो ये कुछ एग्जांपल्स है। इससे अलावा और भी ज्यादा है बट ये कुछ एग्जांपल्स है जहां पे जाके आपको ओपन करना होता है आपका डीमैट अकाउंट और उसके थ्रू आप शेयर्स को खरीद सकते हो या बेच सकते हो। तो ये जो है ना बच्चों, ये सारे ये है आपके एजेंट्स। मान लो आपने शेयर खान के पास डीमैट अकाउंट ओपन किया और आपने एक दिन शेयर खान में उनके कस्टमर केयर सेंटर पे कॉल किया मार्केट आवर्स के बीच में, उनको आपका अकाउंट आईडी वगैरह बोला और उनको बोला कि मेरे नाम पे 1000 शेयर्स परचेस करो। शेयर खान का वहां पे जो रिप्रेजेंटेटिव बैठा है वो आपके नाम पे कुछ शेयर्स परचेस करे, तो बच्चों वो शेयर्स किसके होंगे? शेयर खान के होंगे या मेरे होंगे या आपके होंगे जिसने उसको बाय किया? ये शेयर्स होंगे जिसने उनको बाय किया है, ना कि शेयर खान के, ना कि HDFC सिक्योरिटीज के, ना कि एंजल ब्रोकिंग के, राइट। तो ये लोग वर्क करेंगे एज अ एजेंट और इसके बदले में इनको मिलेगा कमीशन, राइट। तो यही है सब अपने एजेंट। देखते हैं, अ ब्रोकरेज फर्म इज सेड टू बी एन एजेंट। ये क्या है सारी? ब्रोकरेज फर्म है ये, बराबर। ब्रोकरेज फर्म इज सेड टू बी एन एजेंट When it acts on behalf of the client, client कौन है? हम लोग, जिनका डीमैट अकाउंट खुला हुआ है उनके पास में, वो है client. It acts on behalf of the client in buying or purchasing of shares. At no point of time in the entire transaction, the agent will own the business. बहुत ही जरूरी है, at no point the agent will own the shares. ये shares जो owner है इसका वो हमेशा क्लाइंट रहेगा, ये ब्रोकरेज फर्म कभी भी नहीं रहेगी, राइट। नेक्स्ट हमारा अमोर्टाइजेशन। ऐसा मान लो आपने एक नया
गाड़ी का शोरूम शुरू किया होंडा का। अभी ये शोरूम शुरू करने में आपका बहुत सारा खर्चा हो गया, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट हो गई। आप चाहते हो कि ये जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए, इसके लिए आप चाहते हो कि शहर में ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये पता चले कि आपने ये शोरूम शुरू किया। तो इसके लिए आपने एक बहुत बड़ा इनॉग्रेशन रखा, काफी सारे लोगों को बुलाया शहर में से। इसके ऊपर आपने लगभग 5 लाख रुपए का खर्चा कर दिया सिर्फ इनॉग्रेशन। अभी ये जो इनॉग्रेशन की वजह से खर्चा हुआ है 5 लाख का, इसका फायदा क्या आपको सिर्फ उसी दिन होने वाला है या सिर्फ उसी साल में होगा या बाद में भी होने वाला, राइट? आगे भी इसका फायदा होते रहेगा आपको, क्योंकि ये खर्चा तो वन टाइम है लेकिन इसके बेनिफिट्स आपको ओवर द नंबर ऑफ इयर्स मिलने वाले। तो ऐसा मान लो कि हमने कुछ 5 लाख रुपए का खर्चा किया, ₹5 लाख, जिसका फायदा हमको होने वाला है 5 ईयर्स पे। तो क्या हमने ये खर्चा एक ही साल में, इसी साल में पीएनएल को डेबिट कर देना चाहिए? तो नहीं, हमने ये खर्चा पीएनएल को डेबिट करना चाहिए ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 ईयर्स। इसी को हम बोलते हैं एमोर्टाइजेशन। ये जो 5 लाख का खर्चा हमने किया है इसको हम एमोर्टाइज करेंगे आगे आने वाले 5 साल में, बराबर? तो देखो, एमोर्टाइज, टू एमोर्टाइज इज टू चार्ज अ रेगुलर पोर्शन ऑफ एन एक्सपेंडिचर ओवर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, इफ समथिंग कॉस्ट ₹1 लाख एंड इज टू बी एमोर्टाइज ओवर 10 ईयर्स, द फाइनेंशियल रिपोर्ट, यानी कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि पीएनएल अकाउंट, ठीक है? और ज्यादा क्लैरिटी के लिए हम यहाँ पे बोलेंगे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की जगह हम बोलेंगे पीएनएल अकाउंट। तो आसानी के लिए हम इसको बोलते हैं पीएनएल अकाउंट। तो पीएनएल अकाउंट में आप कितना खर्चा क्लेम करोगे हर साल, तो आप प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर क्लेम करोगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कुछ 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख का जो पार्ट हम इस साल पीएनएल में डालेंगे, 10 साल तक हमको एमोर्टाइज करना है, तो हम इस साल पीएनएल में डालेंगे सिर्फ ₹10,000। बचा हुआ जो पैसा है जो हमने खर्च किया है वो असेट साइड में दिखता रहेगा अनएमोर्टाइज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर करके, ठीक है? तो इसको अपन बोलते हैं एमोर्टाइज। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारी एन्युइटी ड्यू एंड एन्युइटी। पहले समझते हैं एन्युइटी क्या है। एन्युइटी यानी कि अ सीरीज ऑफ पेमेंट, ये वर्ड बहुत जरूरी है, सीरीज ऑफ पेमेंट, मतलब ये वन टाइम पेमेंट नहीं है। जैसे मैं अगर आरडी शुरू करता हूँ, आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट बैंक के अंदर, तो मुझे हर महीने कुछ पैसे डालने हैं वहां पे, हर महीने कुछ 2000, 5000, 100, 10000, 15000, जो भी मैं अमाउंट डिसाइड करूं उतनी मैं हर महीने डालने वाला हूं कुछ टाइम तक, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, राइट? तो इसके लिए दिस इज अ सीरीज ऑफ पेमेंट ऑफ एन इक्वल अमाउंट एट अ फिक्स्ड इंटरवल। फिक्स्ड इंटरवल यानी कि 1 महीना, 1 हफ्ता, 6 महीने, 1 साल, कुछ भी हो सकता है, फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पीरियड। कितने साल तक, कितने पीरियड तक डालने वाले, ये हो सकता है आप 1 साल तक डालो, 1 ईयर या 2 ईयर या 5 ईयर, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो ये जो पैसा अपन भरते जाएंगे इसी को अपन बोलते हैं एन्युइटी। जनरली ये एन्युइटी के अंदर जो पैसा डालते हैं अपन, वो डालते हैं आपका स्पेसिफिक पीरियड खत्म होने के बाद में। यानी कि देखो, एक एग्जांपल लेते हैं, आपने एक आरडी शुरू की जो कि है 5 साल की, 5 इयर्स। इसके अंदर अपन हर महीने कुछ पैसे डालने वाले, ठीक है? एवरी मंथ इसके अंदर डालेंगे, पकड़ लो ₹100। अगर मैं ये ₹100 हर एक महीना खत्म होने के बाद अगर डालूंगा, जैसे 30 तारीख को अगर ये पैसे मैंने डाले, तो इसको अपन बोलेंगे एन्युइटी। 30 तारीख को पैसे डाल दो, यहाँ पे मैं डेट लिखता हूँ, चाहिए तो 30th या फिर 31st, जो भी मंथ का लास्ट डे है,
तब अगर मैं पैसे डालूंगा तो ये है एन्यूटी, और एन्यूटी ड्यू कब है? एन एन्यूटी व्हिच पेमेंट ऑकर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड, कब रहे पीरियड ये बिगिनिंग, ये आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन है बच्चों, बीसी के ये एमसीक्यू बेस्ट क्वेश्चन आने वाले बीसी के अंदर, तो इसके लिए यहाँ पे आपको बहुत फोकस करना है। तो यहाँ पे आप कब पेमेंट कर रहे हो? बिगिनिंग में। तो इसलिए आपको अगर कोई क्वेश्चन आता है कि एन्यूटी ड्यू इज अ सीरीज ऑफ पेमेंट ऑकरिंग एट, ऑप्शन आएंगे बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड, एंड ऑफ ईच पीरियड, मिडल ऑफ ईच पीरियड, नन ऑफ द अबव, तो आप क्या सेलेक्ट करेंगे? बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। एन्यूटी ड्यू ये बिगिनिंग में, एन्यूटी ये लास्ट में, करेक्ट। नेक्स्ट एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन इन एन इज एन इंक्रीज इन वैल्यू, इंक्रीज है ये, राइट। हमने डिप्रिसिएशन सुना है, एप्रिसिएशन नहीं सुना होगा। इफ अ मशीन कॉस्ट रुपीज 5 लाख लास्ट ईयर एंड इज नाउ, जिसकी आज की वैल्यू इज नाउ, दिख रहा है आप सब लोगों को, इज नाउ वर्थ रुपीज 7 लाख, देन इट हैज एप्रिसिएटेड इन वैल्यू बाय रुपीज 2 लाख। अरे कुछ भी बातें कर रहे हो सर, ऐसा कभी होता है क्या? आपने तो पढ़ा है मशीन के ऊपर डिप्रिसिएशन होता है, आप बोल रहे मशीन की वैल्यू बढ़ती है, चलो छोड़ दो, मशीन का आपको नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हो, छोड़ दो। दूसरा एग्जांपल लो लैंड का, अगर मान लो मैंने कोई लैंड 2000 में परचेस करके रखी, 2000 यानी कि ईयर 2000 में अगर मैंने परचेस करके रखी मान लो 1 लाख रुपए की, तो क्या क्या अंदाज है आपका आज की वैल्यू इसकी कितनी होगी? कम से कम उसकी वैल्यू आज की 10-12 लाख रुपए होंगी, राइट। तो ये क्या है? एप्रिसिएशन ही तो है। तो डिप्रिसिएशन यानी कि वैल्यू कम होना, एप्रिसिएशन यानी कि वैल्यू बढ़ जाना, राइट। नेक्स्ट हमारा आर्बिट्रेज, आर्बिट्रेज इज द साइमल्टेनियस परचेस एंड सेल ऑफ टू आइडेंटिकल कमोडिटीज और इंस्ट्रूमेंट्स। दिस साइमल्टेनियस सेल एंड परचेस इज डन इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेज ऑफ द प्राइस वेरिएशन इन टू डिफरेंट मार्केट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों, समझो, प्राइस वेरिएशन, यहाँ पे प्राइस वेरिएशन है, कहाँ पे? दो अलग अलग मार्केट के अंदर प्राइस वेरिएशन। इसका बेनिफिट लेने के लिए आप क्या कर रहे हो? एक मार्केट में जहां पे प्राइस कम है वहां पे आप परचेस करेंगे, जहां पे प्राइस कम है वहां पे आप क्या करोगे? परचेस। और जहां पे प्राइस ज्यादा है वहां पे आप कर दोगे सेल। मैं बैंगलोर में था ना, वहां पे एक मॉल में नया नया पिज्जा हट खुला था शुरुआत में, तो उनको करना था प्रमोशन, क्योंकि उसके आजू बाजू में 2-2.5 किलोमीटर के एरिया में और एक दो पिज्जा हट के शॉप्स थे, तो इसके लिए इनको करना था उसका प्रमोशन। तो उन्होंने क्या ऑफर रखी थी, नॉर्मली पिज्जा हट में लगभग एक पिज्जा जाता है आपका 550 से लेके 600 रुपए तक। तो इन्होंने ऑफर रखी थी नॉर्मली 550-600 का एक पिज्जा है, अगर आप दो पिज्जा लोगे दो एक साथ तो आपको मिलेंगे 400 रुपए, सिर्फ 400 में। ये नहीं कि 400 रुपए में एक पिज्जा, 400 रुपए में आपको मिलेंगे 2 पिज्जा, बराबर। यानी कि मान लो एक शॉप है पिज्जा हट का, एक फ्रेंचाइजी ए, दूसरा फ्रेंचाइजी बी, ए जो फ्रेंचाइजी है ये नॉर्मल प्राइस पे बेच रहा है 550-600 रुपए, और बी जो है वो 200 रुपए। तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैंने बी में जाके पिज्जा परचेस किया 200 रुपए का एक, इस प्रकार से मैंने दो पिज्जा परचेस किए, मेरे पास 400 रुपए में दो पिज्जा आ गए, बराबर 2 पिज्जा। ये ही पिज्जा मैं यहां पे जाके शॉप ए में सेल कर दूंगा, यहां पे मुझे कितने पैसे मिलेंगे? चलो कम से कम पकड़ते 500 रुपए का एक पिज्जा चालू है नॉर्मली, इंटू 2 यानी कि 1000, तो मेरा पूरा का पूरा प्रॉफिट हो गया 1000-400 यानी कि 600। अरे समझ रहे? तो ये क्या है, अलग अलग मार्केट के अंदर अगर अलग अलग प्राइस है सेम चीज की, एक ही कमोडिटी है, एक ही शेयर है, एक ही गुड्स है, एक ही सर्विस है, उसकी अलग अलग मार्केट के अंदर अगर अलग अलग प्राइस है, तो मैं क्या करूंगा, जहां पे प्राइस कम है वहां पे उसको बाय करूंगा, और जहां पे ज्यादा प्राइस है वहां पे उसको सेल कर दूंगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेज। चलो आओ पढ़ते हैं। आर्बिट्रेज इज द साइमल्टेनियस परचेस। मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही बार में इधर परचेस कर रहा हूँ एक मार्केट में,
और दूसरे मार्केट में क्या कर रहे हो, इसको सेल कर रहे हो. इज द साइमल्टेनियस परचेस एंड सेल ऑफ टू आइडेंटिकल कमोडिटीज. आइडेंटिकल सेम चीज, एक जगह से पिज्जा खरीद परचेस करा और उसी को दूसरी जगह में जाके बेच दिया. ठीक है, यहाँ पे टू इसलिए लिखा है क्योंकि नॉर्मली मैं एक मार्केट में परचेस करूंगा, शेयर्स बोलो या करेंसी बोलो, नॉर्मली ये एक्सचेंज के अंदर भी होता है. एक्सचेंज यानी कि करेंसी, जैसे मैं डॉलर परचेस कर रहा हूँ तो एक मार्केट में मैं डॉलर परचेस करूंगा, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से डॉलर परचेस कर लूंगा और HDFC को सेल कर लूंगा. करेक्ट, तो दो आइडेंटिकल कमोडिटीज है उनका मैं क्या कर रहा हूँ, परचेस और सेल कर रहा हूँ अलग अलग मार्केट में. जहां पे सस्ता है वहां पे बाय कर लूँ और जहां पे महंगा है वहां पे जाके मैं सेल कर लूँ. और इंस्ट्रूमेंट्स, दिस साइमल्टेनियस सेल एंड परचेस इज डन इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेज. किसका फायदा उठाना है हमको, टेक एडवांटेज किसका फायदा उठाएंगे, ऑफ द प्राइस वेरिएशन इन टू डिफरेंट मार्केट्स. फॉर एग्जाम्पल, परचेस ऑफ गोल्ड इन वन नेशन एंड द साइमल्टेनियस सेल इन अनदर. जैसे कि आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि दुबई या सिंगापुर ऐसे कंट्रीज के अंदर गोल्ड सस्ता है अपने से. अगर हमारे यहाँ चालू है मान लो 10 ग्राम यानी कि एक तोले का भाव, अगर यहाँ पे समझो 40,000, तो यही सेम क्वांटिटी का भाव दुबई में चल रहा होगा अभी 20-22,000. तो मैं क्या करूंगा, दुबई में इसको परचेस करके इंडिया में इसको सेल करूंगा. करेक्ट, लीगैलिटी या टैक्सेशन ये सब अलग. अभी यहाँ पे जो अपन देखने वाले, यहाँ पे हमको सिर्फ इसके मतलब देखना है. तो लीगली ये अलाउड है या नहीं, या इसके ऊपर टैक्स कितना लगेगा, ये सही में पॉसिबल होगा या नहीं, इसकी अपन यहाँ पे बात नहीं करेंगे. कुछ कुछ एक्सेप्शनल सिनेरियो में एक्चुअली ये पॉसिबल भी रहेगा. बराबर, नेक्स्ट है असेट. असेट की तो मुझे नहीं लगता कुछ बात करनी जरूरी है, 11th स्टैंडर्ड से आप पढ़ते आ रहे हो. असेट मीन्स एन इकोनॉमिक रिसोर्स दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑफ बेनिफिट इन द फ्यूचर. तो ऐसी कोई चीज जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा, जैसे आज मैं कुछ मशीन परचेस कर रहा हूँ जिसका यूज करके मैं प्रोडक्शन करूंगा आने वाले 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल तक. तो इसके लिए यहाँ पे जो बेनिफिट मिल रहा है मुझे, वो फ्यूचर में मिल रहा है. मैं आज रॉ मटेरियल परचेस करूँ, अगर मैंने उसको सेल नहीं किया है तो मैं उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके सेल करने वाला हूँ आगे. करेक्ट, तो सेल होने वाला है फ्यूचर में. इसके लिए कोई भी ऐसी एसेट, कोई भी ऐसी चीज जिससे मुझे बेनिफिट फ्यूचर में मिलने वाला है, इसको अपन क्या बोलते हैं, असेट. देखो, प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑब्टेंड एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट ट्रांजैक्शन. तो ये जैसे मैंने मशीन परचेस करना या रॉ मटेरियल परचेस करना, ये कब किया, पास्ट में ऑलरेडी कर दिया. करेक्ट, और बेनिफिट कब मिलेंगे मुझे इससे, फ्यूचर में आगे मिलेंगे. तो इसके लिए पास्ट ट्रांजैक्शन के बेनिफिट्स मिल रहे फ्यूचर में, ऐसी चीज को अपन क्या बोलेंगे, असेट. एनीथिंग ऑफ वैल्यू टू विच द फर्म हैज अ लीगल क्लेम. इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों, लीगल क्लेम यानी कि इसको अपन लिख सकते हैं कॉपीराइट. कॉपीराइट जैसे ऐसा होता है वो, या फिर पेटेंट, या फिर गुडविल. ये क्या है, ये चीजों को आप देख नहीं पाओगे, इसको आप छू नहीं पाओगे, बट स्टिल यू हैव अ लीगल क्लेम. करेक्ट, देन एनी ओन टेंजिबल और इनटेंजिबल ऑब्जेक्ट having economic value useful to the owner. In other words, an asset may be a physical property, yani ki tangible asset, jaise ki building ho gayi, or an object as a stock certificate. To ye koi aisa instrument bhi ho sakta hai, aapke paas koi share certificate pada hai, to this is also an asset, kyunki kal jaake aap usko sell karo to aapko kya milega uske badle mein, paisa. Ya fir ye kya ho sakta hai, or it may be a right such as the right to use a patented process. यानी कि अगर मैं किसी ने पेटेंट ढूंढ के निकाला, किसी साइंटिस्ट ने, अगर मैं उसको यूज करने के लिए मैंने उसको कुछ पैसे दिए और मैंने वो पेटेंट परचेस कर लिया, या फिर वो पेटेंट यूज करने का राइट परचेस किया, तो दिस इज ऑल्सो एन एसेट. तो हमने असेट्स का बाइफर्गेशन किया है, करंट असेट्स, फिक्स असेट्स एंड इनटेंजिबल असेट्स. तो एक्चुअली इसका बाइफर्गेशन और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं, इसको हम एक तो बोलते हैं टेंजिबल या इनटेंजिबल. और दूसरा बायफर्केशन होता है इसका नॉर्मली फिक्स्ड या फिर क्या होता है, परफेक्ट करंट. टेंजिबल यानी कि क्या, जो दिखता है.
सकता है। दिखता है इंटेंजिबल जो नहीं दिखता, यानी कि क्या तो भगवान की बात कर रहे हैं सर आप, जो नहीं दिखता नहीं। ये हमारा गुडविल या फिर पेटेंट या फिर कॉपीराइट, करेक्ट, ये सब आएंगे अपने इंटेंजिबल के अंदर। और टेंजिबल यानी कि क्या, बिल्डिंग फिर मशीनरी एक्सेट्रा, ये तो पता ही आपको। फिक्स्ड और करंट, फिक्स्ड यानी कि बच्चों फिक्स्ड मतलब जो असेट हम यूज कर सकते हैं मोर देन 12 मंथ्स, करंट असेट्स जो यूज कर सकते हैं लेस देन 12 मंथ्स, बराबर।